वैश्विक भू राजनीति में भारत केंद्रबिंदु बनकर उभरा है। यही कारण है कि मौजूदा समय में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना रखी है। आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर देशों संग संबंध सुदृढ़ करने की दिशा में भारत ने कई कदम उठाए हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के साथ साथ भारत के लिए पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट भी कई मायनों में अहम स्थान रखता है। यही वजह है कि इस इलाके के देशों के साथ भारत अपने रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है, चाहे फिर वो सऊदी अरब हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो। भारत लगातार इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इसी कड़ी में नया नाम ओमान का जुड़ा है। हालिया खबरों के अनुसार भारत और ओमान जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते के जरिए भारत मिडिल ईस्ट में अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी पुराने हैं और इन्हीं रिश्तों को प्रगाढ़ करने की दिशा में दोनों देश कई कदम उठा रहे हैं, जिसमें बीते दिनों ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद का पहला भारत दौरा भी शामिल रहा है। ऐसे में आपके जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि भारत ओमान संग नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है, ओमान भारत के लिए किस प्रकार सहायक है, साथ ही मौजूदा हालातों में दोनों देशों के मध्य कैसे संबंध हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए समझेंगे, मगर इससे पहले एक नज़र ओमान पर डाल लेते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाने वाला यह देश ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में मौजूद एक मुस्लिम देश है। देश का सबसे बड़ा शहर मस्कट ही इसकी राजधानी है। यह सऊदी अरब के पूर्व में, यमन पश्चिम में और दक्षिण में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में संयुक्त अरब अमीरात मौजूद है। इस तरह यह सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। वहीं ईरान और पाकिस्तान के साथ इसकी समुद्री सीमा लगती है। इस देश की भौगोलिक स्थिति इसे भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। जानकारों की माने तो यही कारण था कि भारत की आज़ादी के महज 8 साल बाद ही वर्ष 1955 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कायम हो गए थे। इन संबंधों ने आगे जाकर साल 2008 में रणनीतिक साझेदारी का रूप ले लिया। मौजूदा समय में देखें तो खाड़ी देशों में ओमान भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। भारतीय विदेश मंत्रालय की माने तो खाड़ी इलाके में ओमान भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। ओमान पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और सेवा स्तरीय कर्मचारी वार्ता करती हैं, जिससे पेशेवर स्तर पर घनिष्ठ सहयोग और विश्वास संभव होता है। ओमान समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए अरब सागर में भारतीय नौसैनिकों की तैनाती को महत्वपूर्ण परिचालन सहायता भी प्रदान करता है। भौगोलिक परिदृश्य के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक लिहाज से भी ओमान भारत के लिए एक खास स्थान रखता है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पदचिन्ह का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारत ने सैन्य उपयोग की सहायता के लिए ओमान में डुकम के बंदरगाह तक पहुंच हासिल कर ली है। यह क्षेत्र चीनी प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है। वहीं डुकम बंदरगाह की बात करें तो यह ओमान के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, जहाँ से अरब सागर और हिंद महासागर दिखता है। यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाबहार बंदरगाह के नजदीक स्थित है। सेशेल्स में एजम्पशन द्वीप और मॉरिशस में अगालेगा विकसित होने के साथ डुकम भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप में फिट बैठता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बीते वर्षों में हुई आर्थिक उन्नति भी भारत ओमान के संबंधों के भविष्य की तस्वीर साझा करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में ओमान को भारत का व्यापारिक निर्यात 4.5 बिलियन डॉलर का था। भारत ओमान के 6.6% आयात की आपूर्ति करता है। साथ ही 2.2 अरब डॉलर वाले पेट्रोलियम उत्पादों का भारत के निर्यात में 49% हिस्सा है। 1.7 अरब डॉलर के साथ मोटर गैसोलीन या पेट्रोल सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद है। वहीं ओमान को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बॉयलर मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण, लोहे या स्टील की वस्तु, विद्युत मशीनरी और उपकरण, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन, चाय, कॉफी और मसाले आदि शामिल हैं। ओमान से भारत को आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में उर्वरक, खनिज ईंधन,
खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद बिटुमिनस पदार्थ आदि शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने भारत ओमान ज्वाइंट विजन पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए एक संयुक्त साझेदारी नामक विजन दस्तावेज पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के लिए $300 मिलियन की तीसरी किस्त की घोषणा भी की है। यह निवेश कोष भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50 का ज्वाइंट विजन है। इस कोष के माध्यम से ओमान और खाड़ी क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था ने समुद्री क्षेत्र कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी उत्सर्जन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। गौरतलब है कि इस वक्त भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी देश है। भारत ओमान के लिए यूएई और चीन के बाद आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि साल 2018 में इसके गैर तेल निर्यात के लिए यूएई और सऊदी अरब के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और ओमान एक दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जो भविष्य में अपने रिश्तों में नए आयाम जोड़ेंगे। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ओमान भारत का रणनीतिक साझेदार है, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए दोनों देशों के संबंधों की विवेचना कीजिए। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।